हाय फ्रेंड्स, एमवी समाचारम। कैसे हैं आप लोग? आज हम कन्वर्सेशन के बारे में देखेंगे, कैसे दो तीन लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो उसको तेलुगु में संभाषणा बोलते हैं। संभाषणा और हिंदी में बातचीत। सो नेक्स्ट है, चलो एक बार देखते हैं, बात करते हैं ना, चलो एक बार मूवी देखते हैं कैसा है। या अगर कुछ हो रहा है, जैसे जेसीबी का खुदाई होते रहता है तो लोग अपने काम छोड़ के उधर खड़े होके देखते रहते हैं, तो झुंड हो जाता है। तो दूसरे लोग भी बोलते हैं, अरे चलो उधर क्या हो रहा है, देख के आएंगे एक बार, चलो एक बार देखते हैं। तो वो है, और इंग्लिश में लेट्स गो हैव अ लुक, लेट्स गो हैव अ लुक। और तेलुगु में मनम वेल्ली अदि ओकसारि चूद्दाम पदा। मनम वेल्ली, मनम मतलब हम, अभी इसमें ये वाला हम में सेकंड पर्सन को भी इंक्लूड कर रहे हैं। मनम, मनम वेल्ली मतलब जाकर, अधि वह, ओकसारी एक बार, चूद्दाम देखेंगे, पदा मतलब चलो। ये पदा जो एक्सप्रेशन है इसका मतलब है चलो, चलो बोलने के लिए पदा बोलते हैं। मनम वेल्ली अधि ओकसारी चूद्दाम पदा। सो नेक्स्ट देखते हैं, फोन बज रहा है। बोलते हैं ना किसी को, आपका फोन बज रहा है, तो उसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? द फोन इज रिंगिंग, द फोन इज रिंगिंग। और तेलुगु में फोन मोगुतोंदी, मोगुतोंदी मतलब रिंगिंग है, फोन मोगुतोंदी, मोगुतो प्लस ओंदी, रिंग आउतोंदी भी बोल सकते हैं, उससे अच्छा यही है मोगुतोंदी। फोन मोगुतोंदी, मोगुतोंदी, मोगुतांदी भी बोल सकते हैं, रीजनल डायलेक्ट पे डिपेंड होके। फोन मोगुतोंदी, फोन बज रहा है। सो नेक्स्ट है, यह कौन है? कोई अनजान आदमी आता है तो हम पूछते हैं ना, यह कौन है? तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हु इज इट, हु इज इट। और तेलुगु में एवरदी, एवरदी, एवरदी मतलब ये कौन है, वो कौन है। एवरु मींस कौन, एवरु और अदि मिक्स होके एवरदी होता है, एवरदी। सो नेक्स्ट है, यह जॉन बोल रहा है। जैसे फोन आप किए किसी को और कोई दूसरा फोन उठा के कुछ बोल रहा है, तो आप उससे ना यह कौन है, तो वो बोलता है यह जॉन बोल रहा है। सो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दिस इज जॉन स्पीकिंग, दिस इज जॉन स्पीकिंग। और तेलुगु में नेनो जॉन नी मातलाडुतुन्नानु, नेनो मतलब मैं, जॉन नी, ये नी जो है ये अपने बारे में जब बोलते रहते हैं तब यूज होता है। जैसे मेरा नाम साईरूप है, कौन आया है बोलेंगे तो मैं बोलूंगा साईरूप नी, साईरूप नी मतलब मैं साईरूप। तो उसके लिए जॉन नी मातलाडुतुन्नानु मतलब बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, नेनु जॉन नी मातलाडुतुन्नानु, मातलाडुतुन्नानु बात कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट है, मैं मिस्टर स्मिथ से बात करना चाहूंगा। अब कोई दूसरा उठाया है लेकिन वो बोल रहा है मैं इनसे नहीं, मैं मिस्टर स्मिथ या कोई भी नाम ले लीजिए, मैं श्याम से बात करना चाहता हूँ। सो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I'd like to speak to Mr. Smith, please. I would like to speak to Mr. Smith, please. I'd like to speak to Mr. Smith, please. और तेलुगु में नेनु मिस्टर स्मिथ तो मातलाडालनि अनुकुंटुन्नानु, నేను మిస్టర్ స్మిత్ తో, మిస్టర్ స్మిత్ తో మతలబ్ మిస్టర్ స్మిత్ సే మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను, మతలబ్ బాత్ కర్నా చాహతా హూ। తో మీన్స్ క్యా హై? సే, సే మాట్లాడాలని అనుకుంటున్నాను, చాహతా హూ, అనుకుంటున్నాను। సో నెక్స్ట్ హై, వహ్ ఘర్ పర్ నహీ హై। వో మిస్టర్ స్మిత్ ఘర్ పే నహీ హై। తో కైసే బోల్తే హై ఉస్కో ఇంగ్లీష్ మే? హి ఇస్ నాట్ అట్ హోమ్, హి ఇస్ నాట్ అట్ హోమ్। ఆర్ తెలుగు మే अतनु इंट्लो लेरु, आयना इंट्लो लेरु बोल सकते हैं। यहाँ वह जेंट्स के लिए है, मेल के लिए है, इसलिए अतनु है। अगर वही फीमेल के लिए रहेगा तो आमे, आमे यूज करेंगे, आमे इंट्लो लेरु। यहाँ जेंट्स के लिए है इसलिए अतनु इंट्लो लेरु। सो नेक्स्ट है, क्या आप संदेश लेंगे? पूछता है ना, अगर वो नहीं है तो आप एक मैसेज लीजिए और उनको पहुंचा दीजिए। सो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वुड यू टेक अ मैसेज, वुड यू टेक अ मैसेज। और तेलुगु में मीरू ओक संदेशम तीसुकुंटारा, आप एक मैसेज लेंगे क्या, तीसुकुंटारा मतलब लेंगे क्या, तीसुकुंटारा, तीसुको मतलब लेना, मतलब लो, और उंटारा
लेंगे क्या? सो मीरू आप। सो नेक्स्ट है, क्या आप बाद में कॉल कर सकते हैं? उसको मन नहीं है लेने का वो मैसेज, तो बोल रहा है तुम्हारे जैसे कोई होगा या तो वो भूलने वाला है, नहीं तो लेजी आदमी है। नहीं तो क्या चीज, अगर जब तक वो वापस आएंगे तब तक ये नहीं रहेगा, शायद ऐसे भी हो सकता है। हाँ। तो ऐसे टाइम में बोल सकते हैं, अगर लंबा कॉन्वर्जेशन चाहिए तब कैन यू कॉल बैक लेटर, कैन यू कॉल बैक लेटर। मीरु तरवात कॉल चेस्तारा, मीरु तरवात मतलब बाद में कॉल चेस्तारा, कॉल करेंगे क्या, चेस्तारा मतलब करेंगे क्या। सो नेक्स्ट है, क्या मुझे एक संदेश मिल सकता है? कैन आई टेक अ मैसेज, कोई आदमी आया है और पूछ रहा है क्या मुझे एक मैसेज मिल सकता है, तो उसको कैसे बोलेंगे? कैन आई टेक अ मैसेज, कैन आई टेक अ मैसेज। और तेलुगु में नेनु ओक संदेशम तीसुकोवच्चा, नेनु ओक संदेशम, मैं एक संदेश तीसुकोवच्चा, ले सकता हूँ क्या। सो नेक्स्ट है, मैं उसे बताऊंगा कि आपने फोन किया था। अगर कोई बोल रहा है कि मैं उसको बता दूंगा कि आपने फोन किया था, तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I'll tell him you called. I will tell him you called. Short form में I'll tell him you called. और तेलुगु में మీరు కాల్ చేశారని అతనికి నేను చెప్తాను. మీరు కాల్ చేశారని మతలబ్ కియే థే బోల్కే, చేశారని మతలబ్ కియే థే బోల్కే అతనికి ఉస్కో నేను చెప్తాను, మా బతాఉంగా. మీరు కాల్ చేశారని అతనికి నేను చెప్తాను. యే యహా అతనికి క్యా షో కర్ రహా హై? ఉస్కో మేల్, మేల్ అగర్ వహీ లడ్కీ కే లియే రహేగా తో ఆమే కి నేను चेप्तानो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा आपको कन्वर्सेशन की वीडियो, और हिंदी तेलुगु इंग्लिश क्या आप अच्छे से सीख पा रहे हैं? कमेंट में जरूर बताइए, और भी कोई सेंटेंस है अगर आपको, तो उसको भी लिखिए, हम जरूर उसका आंसर देंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।